घाव पर नमक छिड़कने के बराबर है। से राजस्थान के अंदर विद्युत दरों की बढ़ोतरी का सामना राजस्थान के लगभग 63 लाख उपभोक्ता करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में, जिसको पहले कैबिनेट की बैठक में सरकारी दस्तावेज का रूप दिया था, उसमें घोषणा की थी कि वो 5 साल तक विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगी। ये जो लगभग 63% उपभोक्ता इस जद के अंदर आए हैं, उनमें अधिकतर वो किसान है जो किसी न किसी रूप में गांव में और कस्बों में रह रहा है। ये एक तरह से किसानों पर वादा खिलाफी, पहले कर्जा माफी की वादा खिलाफी अशोक गहलोत सरकार ने की, और उसके बाद कर्जा माफी का परिणाम ये रहा कि आज भी जिन सहकारी बैंकों के अंदर सरकार ने कर्जा माफी करने की बात को कहकर प्रमाण पत्र जारी किए हैं, पर किसान के खाते में वो राशि का समायोजन नहीं होने के कारण से खरीफ 2019 और रबी 2019 के अंदर बड़ी संख्या के अंदर किसान को फसल का जो फसली ऋण मिलता था वो इसलिए नहीं मिला कि किसान के खाते में आज भी वो राशि बोल रही है, उस राशि का अपलेखन नहीं हुआ है। राजस्थान की सरकार ने एक कागज जरूर पकड़ाया है, पर उस कागज से के आधार पर जब तक सहकारी बैंकों में किसान की राशि का, ऋण की राशि का अपलेखन नहीं होगा, तब तक वो ऋण बोलता रहेगा। मैं समझता हूं कि एक तरफ किसान लूटा पीटा हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने जिस हल्के अंदाज में किसान की जेब में हाथ डाला, ये एक तरह से घाव पर नमक छिड़कने के बराबर है। मुख्यमंत्री जी को उल्टा किसान के प्रति संवेदना ही व्यक्त करनी चाहिए थी, और मैं समझता हूं इसी कारण से टिड्डियों के पीछे दौड़ते दौड़ते लंबा राम जो गुलाम मलानी के थे, उनकी जिस प्रकार की मृत्यु हुई है, उसके घर पर संवेदना व्यक्त करने मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, और मुख्यमंत्री जी ने किसान का उपहास उड़ाया। केंद्र में चूंकि हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री यहां से हैं, एक मुख्यमंत्री जी को उनसे मिलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आगे दोबारा इस प्रकार का हमला टिड्डी का नहीं हो।